जाने कहाँ है आचार्य चाणक्य, उनकी ओर से तो कोई संदेश भी नहीं आया, पर फिर भी उन्हें तात्कालिक स्थिति की सूचना तो तुरंत देनी ही है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ये देवी चित्ररूपा को ही दूंगा, मुझे देवी चित्ररूपा से ही मिलना है। क्या बात है? क्षमा करे देवी, यह साधारण सा व्यापारी रट लगाकर बैठा है कि यह कंबल आप ही को देगा। जानते भी हो हमें? ले जाओ इसे। अरे देवी, आप ही ने तो तक्षशिला से कंबल मंगवाया था। ठहरो। रख दो वहां। जा सकते हो। मैं लोखंडी में हूं, तुम्हें यहाँ के राजकीय कोषागार के मानचित्र का पता लगाकर मुझे भेजना है। धनानंद के सभी कोषागारों के मानचित्र अमात्य राक्षस के पास है। अमात्य राक्षस के पास? किंतु वो तो कारागृह में है। मांगकर इतना अनाज लेकर आया हूं। कितना होगा? आप वहां चल के देखें। हाँ। वाह भद्रभट, अब इसे हमारे लोगों में बांट दो। ठीक है। और फिर शीघ्र ही हमें उनको यहां से निकलने में सहायता भी करनी, कहीं कोई पकड़ा ना जाए। स्वयं के प्राण संकट में डालोगे तो हमारे सभी लोग पकड़े जाएंगे। हाँ। देखो चंद्रगुप्त, हम एक भी क्षण और गवा नहीं सकते। हमें अपने सभी लोगों को एकत्रित करना है, शीघ्र चलो चलो। आचार्य, तो ये है आपके कारवी नाथ का महल, हमारे महल के सेवकों के निवास स्थान इससे अच्छे हैं, और हम इससे सहायता मांगने आए हैं। इससे कुमार,
ना समझी की बातें मत करो। कारवीनाथ के पास तुम्हारे पिताश्री से कहीं अधिक सैनिक हैं। तुम्हारे पिताश्री भले ही राजा हैं, किंतु शक्तिशाली ये है। अचानक सब गांव वाले कहां लुप्त हो गए? आकाश नील गया उन्हें, यहां धरती में समा गए। तुम्हें हंसी आ रही है? किस बात पे हंसी आ रही है बताओ, किस बात पे हंसी आ रही है? मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कारवीनाथ, कि भले मेरे गांव वालों ने वर्षों से तुम्हारे अत्याचार से, किंतु इस बार पहला उत्तर दिया और तुम बौखला गए। बौखलाओगे तो तुम और तुम्हारे गांव वाले, जब तुम्हारा अंत तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कारवी, अंत हमारा नहीं, बहुत ही शीघ्र अंत तेरा होगा। एक बार फिर से सोच कारवी, एकाग्रचित होकर एक बार सारे गांव वाले जाकर गुफा में छिपके बैठ गए, गुफा से लुप्त हो गए। अरे कहां लुप्त हो गए सबके सब? उन्हें हर दिशा में खोजा मैंने, हर दिशा में तो ठीक तो है। हाँ हाँ ठीक तो है। और कहाँ जाएंगे बेचारे, यही तो हैं वो सबके सब, लोखंडी में मेरी नाक के नीचे, यही तो हैं सब। सिपाहियों जाओ, जाकर ढूंढो उन्हें, वो सबके सब यही छिपे हैं लोखंडी में। जाओ जाओ। अच्छा है महाराज, गांधार के राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। गांधार? मैं जानता हूं आचार्य कि आप मुझसे अप्रसन्न हैं, परंतु फिर भी मेरा वचन रखने के लिए धन्यवाद। इस वचन का अतिरिक्त मूल्य चुकाने के लिए तुम्हें स्वयं को सचेत और तैयार रखना होगा।